हेलो, गुड इवनिंग. माय नेम इज़ रितु रतेवाल एंड यू आर एट अन अकेडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो. शुरू करने वाले हैं हम सच का सामना. होल सिलेबस टेस्ट होगा. आज के टेस्ट में 40 क्वेश्चंस हैं. देखते हैं. देखो, होल सिलेबस टेस्ट कभी भी ऐसे नहीं बन पाता है कि हर एक चैप्टर से आपको एक 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 क्वेश्चन आएगा. इस तरीके से नहीं है. सो मैं मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करती हूँ हर बार टेस्ट में. सो इस बार भी मैंने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं. देखते हैं तुम लोग उसमें से कैसा करते हो. चलो शुरू करते हैं. अब हमारे साथ अन अकेडमी प्लेसिबो के प्लेटफॉर्म पे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो. टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लोगे और जैसे ही आप ये लिंक डालोगे नीट प्लेसिबो, आप हमसे कनेक्ट हो जाओगे. फ़ायदा ये होता है कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है हमारी. आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाती है और साथ में बहुत सारा मोटिवेशन चलता रहता है वहाँ पे. सो इट्स बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन. अन अकेडमी प्लस आप लोग जानते हैं, इट्स अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर नीट. जैसे इस चैनल पे हम पढ़ते हैं, वैसे एक और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 40 से अधिक टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं. इनमें से मैं भी एक हूँ. तो ये 40 के 40 टीचर्स आपको नीट की प्रिपरेशन कराते हैं. आई विल बी कम्प्लीटिंग माई सिलेबस होल, पूरा का पूरा कम्प्लीट सिलेबस मैं वहाँ पर प्रिपेयर करूँगी, कराऊँगी आपका. साथ में बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे चलाऊँगी मैं. जैसे अभी मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, देन आनंद मनी सर के साथ आगे जाके नीट और क्रैश कोर्स, नीट और बोर्ड्स का कोर्स चलेगा. देन ड्रॉपर्स के लिए बहुत ही छोटा सा रिवीजन कोर्सेज चलेंगे. तो ये सभी कोर्सेज लेने के लिए, मतलब मेरे कोर्सेज और टीचर्स के कोर्सेज, किसी का भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स लेने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है अन अकेडमी प्लस का. एक सब्सक्रिप्शन से आप कोई भी कोर्स ले सकते हो. तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको देख लीजिए. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे. जैसे आप ओपन करेंगे, नीचे जाएंगे प्लस के सेक्शन पे, प्लस पे क्लिक करेंगे, नीट एम्स का सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे. फिर आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे. गेट सब्सक्रिप्शन पे आप अपने हिसाब से समय देखेंगे कितने टाइम का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए. ठीक है, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, 2 ईयर्स का. जो अभी बच्चे हैं वो 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. जो अभी +1 में, अभी +2 में होने वाले हैं वो 1 ईयर का. और जो भी 10th में, अभी +1 में हो जाएंगे, वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. जितना भी फीस रहता है, जैसे 6 मंथ्स का फीस 30,000 रुपीज़ है, सिक्स मंथ्स का फीस 24,000 रुपीज़ है, 1 ईयर का फीस 30,000 रुपीज़ है और 2 ईयर्स का फीस 48,000 रुपीज़ है. सभी को कम करने का तरीका है. आप एक जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप कोड डालेंगे. एक देखिए, ऐसे 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, मान लो आपने यहाँ पे 30,000 दिख रहा है, आपने पे नहीं करना, आपने यहाँ पे ऊपर कोड डालना है. यहाँ पे खाली जगह होगी, ऋतु लाइव भरना है. इसमें ऋतु लाइव का कोड डालते हैं आप. जैसे ही अप्लाई बटन दबाएंगे, आपको 10% का फीस ऑफ रहेगा. अब ये चीज़ 27,000 की पड़ेगी आपको. तो देखो, जो अभी तुम्हारे लिए रेलिवेंट कोर्स है ना 6 महीने वाला, उसका फीस तुम्हें 21,600 रुपये के आसपास पड़ जाएगा. और अगर तुम 3 महीने वाला लेना चाहते हो तो 3 महीने का फीस अराउंड 13,500 का पड़ता है. 1 ईयर वाला 27 का और 2 ईयर्स वाला 43,000 का पड़ता है, ये कोड डालने के बाद. तो कोड डालना भूलना मत, क्योंकि आप मेरी क्लास में तभी आ पाओगे जब आप ये कोड एंटर करोगे. चलिए शुरू करते हैं आज का सच का सामना. पहला क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हैं, जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे हम. There are 40 questions. Please, let's start. मैं बहुत ज़्यादा आपको टाइम दूंगी नहीं. हर क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं दूंगी. साइमन पीटर, येस, देर इज सम बेनिफिट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. उसका आंसर बताऊंगी मैं बाद में, अभी नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज यूज एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट. क्वेश्चन गलत है हल्का सा. एंटी इन्फ्लेमेटरी आना चाहिए. एंटी इन्फ्लामेटरी होता है ना, ये इन्फ्लामेटरी नहीं होता है. इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए होता है. ऑप्शन कॉर्टिसोल आएगा. सो नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन. टाइपिंग मिस्टेक था हल्का सा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. एक मिनट, मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट कर रही हूँ, रुक जाइए. मुझे आप लोगों के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, एक मिनट. हाँ जी, सेकंड. सेल्यूलोज फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ द फूड ग्रेजिंग कैटल. इट इज, देखो, सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है कैटल के स्टमक में, तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है. डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया,
कैटल की बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, या खुद उसका कोई इंजाइम होता है वो डाइजेस्ट करता है, या थोड़ा सा खुद करता है थोड़ा सा बैक्टीरिया करता है, या वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है? आंसर देंगे प्लीज। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। इट इज डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया। मिथेनोबैक्टीरियम वगैरह रहते हैं ना उसके गट में, तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और मिथेन गैस रिलीज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सी नहीं है, MASS ए आंसर है। चलिए थर्ड का, थर्ड क्वेश्चन प्लीज। शुभम कुमार ठाकुर नाम लूंगी, रुक जाओ मैं। एन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, नुपुर गलत है, दिशा गलत है, अद्वैत पंटेज गलत है, किसी का भी सही नहीं हो रहा है। अर्पित भारद्वाज का सही है, विक्रमांक का सही है, आर्डेंट का सही है, एहतशान का सही है, इतना गलत क्यों हो रहा है भैया? अभिलाषा का सही है। अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या कहते हैं बेटा? अगर आपका इन्वायरमेंटल प्रेशर आपके ऊपर ना हो, कोई बीमारियां ना हो, कोई फूड की रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई सीजनल रिस्ट्रिक्शन ना हो, और बंदा जितना बच्चे पैदा कर सकता है वो अनलिमिटेड कैपेसिटी, जो उसकी कैपेसिटी है ना बच्चे पैदा करने की, उसको क्या कहते हैं? बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं बेटा उसे, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। ये नहीं, बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स पर इंडिविजुअल पर कैपिटा बर्थ को बोलते हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, एक इन्वायरमेंट कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। ओके नेक्स्ट प्लीज। द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन ह्यूमन जीनोम इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, कितना नाइट्रोजनस बेस है बोलिए। जेनेटिक्स के चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना उसकी जो फाइंडिंग्स है उसमें है। बोलिए फोर्थ। डॉक्टर आदित्य का सही है, रोहन का सही है, अद्वैत पंटेज का सही है, मैं हूं डॉन का सही है। 3.5 बिलियन होता है, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, 3.5 मिलियन होता है, क्या बात कर रहे हो। शुभम का सही है, 3.1 बिलियन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, क्या बात कर रहे हो। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फाइंडिंग्स, अगर नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ह्यूमंस के पास कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ह्यूमंस के पास कितने जीन्स होते हैं, सबसे बड़ा जीन कौन सा है, सबसे ज्यादा जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे, सबसे कम जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की फाइंडिंग है, एक एक चीज तुम लोगों को लर्न होनी चाहिए नीट के लिए, ये बकवास नहीं चलेगी। ये रटने वाले क्वेश्चन जो मैं बार बार बता चुकी हूँ ठीक करने हैं, वो भी तुम गलत कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Which of the following is not true for a species? Species के लिए कौन सा सच नहीं है? रोहन फोटोसिंथेसिस की लास्ट क्लास रह गई है, बाकी फोटोसिंथेसिस हो चुका है। हाँ जी, एहतशान सही, संजय सही, नुपुर सही, राधा गलत, ईशानी सही, मास गलत, एहतशान सही, आशुतोष सही, हिया साइकिया सही। हाँ जी, स्पीशीज, मेंबर ऑफ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, बिल्कुल आपस में स्पीशीज बच्चे पैदा कर सकती है, एक स्पीशी के मेंबर्स बच्चे पैदा कर सकते हैं, ह्यूमन ह्यूमन बच्चे पैदा कर सकते हैं, है ना। ई स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीशीज, बिल्कुल ह्यूमन और कुत्ते के बच्चे पैदा नहीं हो सकते, ह्यूमन और हॉर्स के बच्चे पैदा नहीं हो सकते, हॉर्स और डॉगी के बच्चे पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं सारी की सारी स्पीशीज। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशन, ये बकवास है। पॉपुलेशन मतलब दिल्ली की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब कलकत्ता की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जापान की पॉपुलेशन, क्या जापान की पॉपुलेशन और दिल्ली की पॉपुलेशन के बीच में बच्चे पैदा नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं ना, तो जीन फ्लो हो सकता है ना, तो पॉपुलेशन कभी भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होती है, तो ये गलत पॉइंट है। वेरिएशन अकर अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, आई डोंट नो ये गलत क्यों है। अच्छा नॉट ट्रू, अच्छा नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है, सो नॉट ट्रू में हमारा आंसर थर्ड आ गया। ठीक है नेक्स्ट प्लीज। माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ, इजी क्वेश्चन, माइकोराइजा किस चीज का एग्जांपल है? इकोलॉजी का क्वेश्चन है, जो बायोडाइवर्सिटी नहीं हुई जो उससे पहले वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, ऑलमोस्ट सभी का सही उत्तर है। माइकोराइजा क्या होता है याद है? जैसे पाइन का प्लांट है उसकी रूट के साथ फंगस का एसोसिएशन,
फंगस का एसोसिएशन पाइन की रूट के साथ, तो फंगस इसको हेल्प करता है न्यूट्रिशन गेन करने में, ये प्लांट इसको ग्लूकोज बना के देता है, तो फूड बना के प्लांट देगा, ये इसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों का फायदा हो रहा है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, तो पैरासिटिज्म तो हो ही नहीं सकता ना, डिकम्पोजर भी नहीं हो सकता, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स, कौन सी प्लांट्स में नहीं मिलती है, कौन सी शुगर प्लांट्स में नहीं मिलती है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ओके मुस्कान नेहरा, फाइन, वर्क इज वर्शिप करेक्ट, आशुतोष मित्तल करेक्ट, अभिलाषा करेक्ट, सरस्वती रॉन्ग, नुपुर राइट, अर्पित भारद्वाज रॉन्ग, अर्पित भारद्वाज का गलत कैसे हो गया, समोनिता गलत, रहनुमा राइट, नहीं रहनुमा गलत, अल्फाज निगम राइट, आशुतोष मित्तल राइट। क्या बात कर रहे हो, प्लांट्स दे फॉर्म ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज फिर कन्वर्ट होती है सुक्रोज में ट्रैवलिंग के लिए, फ्रक्टोज तो फ्रूट शुगर होती है ग्रेप्स में, और ग्रेप्स में नहीं सॉरी सारे फ्रूट्स में जो मीठा होता है वो फ्रक्टोज ही होता है, ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है, इसलिए मैंने ग्रेप्स से गलती से बोल दिया था। लैक्टोज नहीं होता है, लैक्टोज इज मिल्क शुगर, कौन सा प्लांट है जो मिल्क बनाता है और उसके साथ में लैक्टोज बनाता है, नहीं बनाता ना, लैक्टोज इज एन एनिमल शुगर। अंशुल द्विवेदी, अच्छा देख लेती हूँ बेटा, समझ में आया गलती कहाँ पे हुई है। चलो, abundance of a species population within its habitat is called, ecology का question है फिर से, एक number of organisms of a species per unit area क्या बोलेंगे, नीश डेंसिटी क्या होता है ये, देखो इसका आंसर, इसका आंसर मैं जो कंफर्म नहीं है, इसका आंसर मैं चेक करके नहीं आई हूँ, बट लेट्स सी, अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेंसिटी नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी नहीं होता, नीश डेंसिटी भी नहीं होता, आई थिंक इट इज रीजनल डेंसिटी, अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट, बट स्टिल आई विल चेक दिस। सो ये बोनस में ले सकते हो तुम लोग, क्योंकि मुझे कंफर्म्ड नहीं है इसका आंसर, सो आई विल टेक इट एज अ बोनस, ओके, आई विल स्टिल टेक इट एज अ बोनस बिकॉज आई एम नॉट कंफर्म्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट प्लीज, विच इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड, इजी क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का, इनमें से कौन सा, रोहन अभी तो नहीं पॉसिबल है पर देखती हूँ बेटा बाद में, एहतशान राइट, महबूब राइट, सुकन्या राइट, तनिष्क राइट, वर्क इज वर्शिप रॉन्ग, हाँ जी बोलिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी, नुमन रॉन्ग, संजय रॉन्ग। कैसे ढूंढते हैं हम असेंशियल अमाइनो एसिड को, एक तरीका है हिल MTV टैप, ये असेंशियल अमाइनो एसिड ढूंढने का तरीका है, एक हिल बना लो उसके ऊपर एक MTV रख लो, ठीक है, और उसके ऊपर एक टैप चला दो, ठीक है, हिल MTV टैप, हिस्टिडीन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन मेथियोनिन ट्रिप्टोफैन वैलिन थ्रियोनिन आर्जिनिन फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन आंसर बन गया, ना ग्लाइसिन है ना एस्पार्टिक एसिड है ना सेरीन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अ मैचिंग पेयर इज, कौन सा इनमें से सही है, इकोलॉजी की नॉलेज लगाओ बेटा जी अपना, इकोलॉजी की नॉलेज लगाएंगे जल्दी से, सरदार ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सरदार कौलोके, चलिए मैचिंग पेयर ढूंढना है हमको 10 का, यस, जिसका भी आंसर 2 है वो बिल्कुल सही है, जिसने भी आंसर 2 दिया है वो बिल्कुल सही है, गलत क्या है देख लेते हैं क्यों गलत है। शार्क एंड सकरफिश कमेंसलिज्म नहीं होता, सकरफिश शार्क को हार्म करती है,
तो कमेंसल नहीं हो सकता. कमेंसल वो होते हैं कि एक को फायदा हो और दूसरे का कोई नुकसान ना हो, दूसरे को कोई फर्क ही ना पड़े, ना फायदा हो ना नुकसान हो. ठीक है, तो ये कमेंसलिज्म नहीं है. एल्गी एंड फंजाई इन लाइकन्स इज म्यूचुअलिज्म. फंजाई एल्गी का फायदा करता है, उसको न्यूट्रिशन सोख सोख के देता है. एल्गी फंजाई का फायदा करता है, उसको खाना देता है, ग्लूकोज देता है. तो दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं, म्यूचुअलिज्म. ये सही हो गया. ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज पैरासिटिज्म. नो, जब एक ऑर्किड एक ट्री की ब्रांच पे उगता है, मान लो ये ऑर्किड उग रहा है यहाँ पे, तो ये इससे न्यूट्रिशन नहीं लेता, ये सिर्फ सनलाइट बेटर गेन करने के लिए इसके ऊपर उगता है. सो ऐसे प्लांट्स को एपीफाइट्स कहते हैं. ऑर्किड पैरासाइट नहीं है, एपीफाइट है. ठीक है. कस्क्यूटा ग्रोइंग ऑन अदर फ्लावरिंग प्लांट्स, एपीफाइटिज्म गलत. कस्क्यूटा एक प्लांट पैरासाइट है, एक ऐसे बेल होती है जो अपना क्लोरोफिल भी लूज कर चुकी है. ठीक है, येलोइश कलर की होती है क्योंकि उसको बनाना ही नहीं खाना, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन चुराती है वो. ठीक है, सो आवर आंसर इज 2. ओके, चलिए आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अकॉर्डिंग टू सिंजर एंड निकोलसन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कौन सा इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? मुस्कान, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ना बेटा, यहाँ पे मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकती हूँ. अर्पित भारद्वाज सही, अभिलाषा सही, तनिष्क हर्ष राइट, अद्वैत पंटेज रॉन्ग, क्या बात हो गया, हुसैन अली राइट, महबूब हसन गलत, वर्क इज वर्शिप राइट, अरुणा राइट, थर्ड वाले सभी राइट हैं, बाकी गलत हैं. क्या क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर होती है, साथ में ही कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सिर्फ एक ही साइड रह जाते हैं, अंदर ही रह जाते हैं, इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं. एक है जो साइड में बाहर निकलते हैं, उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं. सो इट इज फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. ओके, गलत कैसे हुआ अद्वैत पंटेज? हाँ, वर्क इज वर्शिप का सही है. द फर्स्ट अमाइनो एसिड टेकिंग पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में पहला अमाइनो एसिड कौन सा होता है? इजी क्वेश्चन, बोलिए. बोलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अक्षता रॉन्ग, तनिष्क रॉन्ग, बाकी सबका सही आता जा रहा है. सत्य कुमार रॉन्ग. पहला अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में लगता है वो हमेशा मिथायोनीन होता है, उसके बाद बाकी अमाइनो एसिड्स लगते हैं. लाइक दिस, मिथायोनीन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन. जिसे नहीं आता है वो जान लेंगे, लर्न कर लेंगे. ओके, चलिए ये बताओ जरा मुझे, रोहन. अच्छा ठीक है, रेस्पिरेशन देख सकती हूँ, रेस्पिरेशन चालू करने का सोच सकती हूँ बेटा. सेल्युलोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ. सेल्युलोज, पहले तो हमें ये बताना है कि ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है. अगर ये पता चल जाए तो फिर ये बताना है कि कौन सा बॉन्ड होता है उसमें. अरे रे 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 रे, किस 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 का आंसर आ गया? 13th का 4 अभिलाषा गलत, निगार 13th, ईशानी का सही है, तनिष्क का सही है, शुभम कुमार का सही है, एहतशाम का सही है, हर्ष कुमार का सही है, दिशा का सही है. दो वाले बच्चे सभी गलत हैं, तीन वाले बच्चे सभी सही हैं. देखो, पहली बात तो सेलुलोज एक अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है, इसको याद करना बहुत आसान है. देखो मैंने तुम्हें कैसे, अच्छा मैंने तुम्हें बायोमोलिकुल्स पढ़ाया नहीं है तभी इतनी दिक्कत आ रही है. देखो, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं. या तो वो खाना स्टोर करने के काम आते हैं, ठीक है, उनको हम स्टोरेज पॉलीसेक्राइड बोल देते हैं. जैसे कि ग्लाइकोजन, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि अभी ये दो ही याद आ रहे हैं. ठीक है, देन कुछ पॉलीसेक्राइड्स स्ट्रक्चर्स बनाने के काम आते हैं, तो उनको स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स कह देते हैं, जैसे कि सेलुलोज, जैसे कि काइटिन. तो जितने स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होते हैं ना, वो सारे ब्रांच्ड होते हैं. यार देखो, स्टोर करना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड होता है, स्टार्च भी ब्रांच्ड होता है.
ठीक है, स्टार्च का एक मॉलिक्यूल ब्रांच होता है, एक अनब्रांच होता है, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चरल जिनको सिर्फ दीवारें बनानी है वो ब्रांच होके क्या करेंगे, तो सेलुलोज को सिर्फ दीवारें बनानी है तो वो अनब्रांच होता है, सीधा 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 सीधा। और सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बना होता है, इसलिए हमेशा उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। सो आंसर इज अनब्रांच चेन ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अगर आपको नहीं पता तो ये जान लीजिए, आपको पता होना चाहिए। ओके ओके सरदार कौल, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा तुम्हारा नाम मैं भूल गई, सरदार कौल के एक्चुअल नाम क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेल डिवीजन इज नॉट प्रेजेंट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन से सेल्स बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओहो आंसर आ गए, बिल्कुल सही, ईशानी राइट, अर्पित राइट, अल्फाज, तनिष्का, रघुराम, वर्क इज वर्शिप, दिशा, एवरीबडी इज राइट, महबूब हसन, नीरज प्रजापति, एवरीबडी इज राइट। ओके वेरी गुड। किस में सेल डिवीजन नहीं होता, कौन सा जीनोट सेल जीनोट स्टेज में फंसा रहता है हमेशा? न्यूरॉन्स, दे नेवर ऑलमोस्ट नेवर डिवाइड। सिमिलरली मसल्स भी ऑलमोस्ट नेवर डिवाइड। स्किन तो हमारी शेड ऑफ होती रहती है, नए बनते रहते हैं। गोनेड्स में सेल्स होते हैं हमारे, याद है, स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल्स होते हैं, और ऊगोनिया जो कि एग सेल्स बनाते हैं और स्पर्म्स बनाते हैं। बोन मैरो में हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, तो इनमें तो बहुत कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस होती है। ओके ईजी क्वेश्चन था ना ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये भी वैसे तो इजी क्वेश्चन है, बता चुकी हूँ मैं बहुत बार। थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ टीआरएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा सुरिंदर सिंह, अच्छा सुरिंदर, ओके ओके। 15th, अरे रे रे रे, अभिलाषा गलत, तनिष्का गलत, प्रेरणा गलत, अरे रे रे रे, क्या हो गया तुम लोगों को? मास गलत, दिशा जैन गलत, सबका गलत, सिर्फ एहतशाम का सही है अभी तक, ओनली एहतशाम इज राइट, वाई व्हाट इज रॉन्ग? सलोनी राइट, अल्फाज राइट, साकिब राइट। भाई लोग क्यों भूल जाते हो, टीआरएनए के दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक 2D मॉडल है, एक 3D मॉडल है। तुम्हें मैंने कैसे सिखाया है? 2D में याद करो पत्ता, क्योंकि पत्ता हमेशा 2D होता है, हमेशा पिचका हुआ पत्ता है, कहाँ 3D है यार, ये पिचका हुआ, ठीक है। लीफ मॉडल ये वाला है, एल शेप्ड यहाँ पे आएगा, क्या करते हो हमेशा भूल जाते हो। पत्ते वाला हमेशा पत्ते से याद करो, पिचका हुआ होता है पत्ता, हमेशा 2D में याद रखना है पत्ता। सो क्लोवर लीफ मॉडल इज एक्चुअली 2D, एल शेप्ड इज 3D। कैसे गलत हो रहा है बच्चों? कोई बात नहीं, अभी याद हो गया ना, कंफ्यूजन हो जाती है, अभी याद हो गया ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल? इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, सबसे छोटा सेल कौन सा है? बहुत बार बात कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। महबूब राइट, हर्ष राइट, शुभम कुमार राइट, अभिलाषा राइट, अल्फाज, वर्क इज वर्शिप, सुरिंदर, एहतशाम, राइट राइट, विद्या राइट, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज राइट। PPLO इज द स्मॉलेस्ट सेल। PPLO क्या होता है, इट इज ये उसमें आता है बैक्टीरिया वाला जो ग्रुप है, मोनेरा, मोनेरा में आता है, बट इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल, नो सेल वॉल, बिना सेल वॉल का सेल है ये। ओके हाँ जी, इसको याद करना है, ये इजी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बार बार क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डाईपेप्टाइड क्या होता है, डाईपेप्टाइड क्या होता है बताएंगे प्लीज? डाईपेप्टाइड क्या होता है, 17th का आंसर चाहिए। कूल नूब, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नाम नहीं ले रही बेटा मैं। 17th का सही है, किस बच्चे ने दिया है? दिशा चैन राइट, दिशा जैन राइट, मास राइट, अल्फाज निगम राइट, अभिलाषा राइट, अद्वैत पंटेज राइट, हर्ष ये तो गलत है, तुमने दो दो आंसर दिए हुए हैं, नीरज प्रजापति राइट, एहतशाम, ज्योति, अरुणा, शिवानी वेरी गुड, तनिष्का वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने 2 आंसर दिया है, 2 वाले सभी सही हैं। देखो डाईपेप्टाइड क्या होता है, दो अमाइनो एसिड
लिंक्ड बाय वन पेप्टाइड बॉन्ड। डाइपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते हैं, इसका मतलब है दो अमाइनो एसिड लिंक्ड विद, चश्मा बना के याद कर लो, डाइपेप्टाइड का मतलब दो अमाइनो एसिड लिंक्ड विद वन पेप्टाइड बॉन्ड। तो कौन सा आंसर बनेगा? टू। ओके अच्छा अहमद अली आंसर ही नहीं दोगी, गुस्सा हो गई हो हैं? चलो हर्ष कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट प्लीज। ऑल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? महबूब हसन का सही है, शुभम कुमार सही है, वर्शिप वर्क इज वर्शिप सही है, समीक्षा सही है, हर्ष सही है, आशना नूर सही है, ओके अर्पित राइट, ईशानी राइट, अनुपमा राइट, आर्डेंट राइट, स्वप्निल, ऑलमोस्ट सभी सही है, सिर्फ कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो गलती क्यों हो रही है, क्योंकि आपको सेल थ्योरी से रिलेटेड है ये, है ना? तो आपको लगता है श्लीडन एंड श्वान ने दिया था, श्लीडन एंड श्वान ने ये कहा था कि ऑल सेल्स आर मेड, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, श्लीडन एंड श्वान ने इतना ही कहा था। वर्षो ने इसमें ऐड किया था ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, वर्षो आंसर है। पृथ्वीराज चौहान आ गए तुम, आंसर चाहिए पृथ्वीराज चौहान, ऐसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट प्लीज। सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ हैव, बोथ सबके पास क्या होता है बोलिए प्लीज। गजला राइट, ओके दिस इज 19th अभिलाषा राइट, जीके ज्ञानी राइट, मृत्युंजय राइट, तनिष्का राइट, वर्क इज वर्शिप, अद्वैत पंटेज, हर्ष कुमार, गजला, दिशा, पीयूष राइट, ओवेस अंसारी राइट, सौरभ मिश्रा राइट। देखो सिमिलर शुगर नहीं हो सकता, एक के पास राइबोज शुगर है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज है डीएनए में, नहीं हो सकता। सिमिलर मोड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, दोनों के लिए अलग मशीनरी चाहिए, दोनों के लिए अलग एंजाइम चाहिए, ठीक है, अलग बिहेवियर है रेप्लिकेशन का, मोड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। सिमिलर पिरिमिडिन नहीं, डीएनए में कौन सा पिरिमिडिन होता है? एजीसीटी डीएनए में होता है और सीयू आरएनए में होता है, तो पिरिमिडिन्स भी गलत हो गए। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बोथ आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जुड़ के बने होते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जुड़ के बने होते हैं। दिस इज 20th क्वेश्चन यश गुप्ता, ये शायद मैंने पहले भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया, ट्रॉफिक लेवल पे इज कॉल्ड, हाँ जी सभी का सही है, सभी का सही है, सही है सही है सही है, हाँ जी। वर्क इज वर्शिप का गलत हो गया, क्या बात है, वर्क इज वर्शिप ऐसा कैसे हो गया, पवन का गलत हो गया, अरे रे 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 गलत कैसे हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में कंफ्यूज हो गए, आंसर स्टैंडिंग क्रॉप है। देखो जहाँ पे क्रॉप वर्ड आ जाए वो लिविंग मैटर है, ऐसे याद कर लो, किसी भी ट्रॉफिक पे टोटल लिविंग मैटर स्टैंडिंग क्रॉप है, क्रॉप लिविंग होती है ना, लिविंग है वो, स्टैंडिंग स्टेट नॉन लिविंग है बेटा। किसी भी वक्त पे एक पर्टिकुलर एरिया सॉइल का, इसमें कितने मिनरल्स हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की सॉइल में कितने मिनरल्स हैं वो स्टैंडिंग स्टेट होता है बेटा। तो जब भी स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में कंफ्यूजन हो याद कर लेना है, क्रॉप लिविंग है, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे कितना लिविंग मास है उस समय पे वो स्टैंडिंग क्रॉप है, हो जाएगा। टी 40 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर, ठीक है, गलती समझ में आ गई है सबको। हरेश कुमार हाँ जी, आई एम सॉरी, व्हाई रघुराम, Why would you say that? पहले ये क्वेश्चन करो रघुराम, why would you say that? चेक कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, चेक कर लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट।
सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस. सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, एम्फिजमा होता है. तो ये इतनी सही स्टेटमेंट मुझे लग नहीं रही, मुझे थोड़ी गलत लग रही है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, ये एल्वियोलाई है, ये आपस में ज्वाइन करके, जैसे ऐसे होते हैं ना एल्वियोलाई, छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे बड़ा सा एल्वियोलाई बन जाता है. तो इन्फ्लेमेशन नहीं होती, वो वॉल डैमेज हो जाती है. तो मुझे लग नहीं रहा ये सही है. न्यूरन सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन. नहीं, न्यूमोटैक्सिक तो डिक्रीज करता है ना रेस्पिरेशन की, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को. वर्कर्स इन ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस. ये सही स्टेटमेंट लग रहा है मुझे. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें लंग फाइब्रोसिस हो जाता है. एनसीईआरटी में दिया हुआ है लंग फाइब्रोसिस, ये चेक करना पड़ेगा, पर इसको भी रख लेते हैं. अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. गलत है, 90% थोड़ी भी होती है, 70% के आसपास होती है. सो आई थिंक आंसर इज, एक बार रुको, एनसीईआरटी में चेक करती हूँ मैं, लंग फाइब्रोसिस होता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फाइब्रोसिस होता है. कहाँ है मेरी एनसीईआरटी? वेट करो, मैं चेक कर रही हूँ एक बार. हाँ हाँ, होता है होता है होता है, ये सही है. फाइब्रोसिस होता है बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू बन जाना, कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारा बन जाना, तो लंग के अंदर भी होता है. चेक कर लिया मैंने एनसीईआरटी में, आंसर 3 बनेगा. सिगरेट स्मोकिंग नहीं है यार, इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज करता, इम्फिजमा कॉज करता है. समझ रहे हो ना गलती कैसे हुई है? चलो नेक्स्ट प्लीज. नाउ रघुराम, वाई वुड यू से दैट आई विल नॉट कॉल योर नेम बिकॉज यू आर साउथ इंडियन? अरे बेटू, आई हैव अ वेरी गुड साउथ इंडियन फ्रेंड कॉल्ड रघु, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ऐसे नहीं सोचते बेटा. डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड इज ड्यू टू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारंग का 22 गलत है. सारंग 22. डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड, डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड किसकी वजह से होता है? डीजनरेशन पहले होता क्या है? डीजनरेशन होता है एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन होना, जैसे कि AUG भी होना, AUC भी होना, समझ रहे हो? बहुत सारे कोडोन एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, ये डीजनरेसी है. और ऐसा आता क्यों है? लास्ट कोडोन की वजह से. इसको वॉबल कोडोन कहते हैं. ये चेंज होता रहता है, पहले दो नहीं चेंज होते, लास्ट वाला चेंज होता रहता है. AUG, AUC, AUA, AUU, जो भी. तो लास्ट कोडोन की वजह से डीजनरेसी आती है. थर्ड मेंबर ऑफ कोडोन आंसर होना चाहिए. ये मुझे लगता है बहुत बच्चों ने गलत किया है. समझ में आया क्यों आया आंसर? थर्ड मेंबर क्यों आया? क्योंकि सिर्फ थर्ड मेंबर ही चेंज होता रहता है. जैसे चार हैं, वो चारों एक ही अमाइनो एसिड के लिए कर रहे हैं ना, तो चारों में थर्ड मेंबर ही डिफरेंट होता है. डू यू अंडरस्टैंड? वोबल हाइपोथेसिस, एग्जैक्टली वोबल हाइपोथेसिस. चलो दिस इज ईजी, दिस इज ईजी. अगर आपने एक बार भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इसका आंसर आपको आ जाएगा. 23rd, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र का सही है, अश्का का सही है, विपिन वर्मा का सही है, अम्मान मलिक का सही है, एहतशान का सही है, दयाल का सही है, रघुराम राइट, एहतशाम राइट, सारंग राइट, समोनिता राइट. देखो क्या पूछा है, इट्स वेरी इजी. देखने में बहुत भयानक लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी भयानक नहीं है. एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि ये पॉपुलेशन है एग्जिस्टिंग, इसमें जितने बर्थ होंगे उतना ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना? जितने बर्थ होंगे उतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और जितने लोग बाहर से आएंगे उतना पॉपुलेशन बढ़ेगी. जितने लोग बाहर से आते हैं उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है? फिर पॉपुलेशन कम कैसे होती है? जितने लोग मरेंगे, डेथ, और जितने लोग यहां से बाहर निकलेंगे, ई माइग्रेशन. बाहर जाने वालों को बोलते हैं ई से एग्जिट, एग्जिट से ई माइग्रेशन. तो अब हमें क्या हुआ है, ये नहीं बताया कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, वो हमें चाहिए भी नहीं. वो ये कह रहा है कि एवरेज नेटेलिटी, नेटेलिटी मतलब बर्थ, पैदा होना, 250 बर्थ है.
एवरेज मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, इज 240, मतलब 250 बच्चे पैदा हुए तो 240 लोग मर गए, तो टोटल में कितने नए मेंबर्स ऐड हुए, 10 नए मेंबर्स ऐड हुए, 10 नए मेंबर्स ऐड हुए ना यहां से, इन दोनों से। अगली बात, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब जो आए हैं हमारे पास वो 20 आए हैं, और ई माइग्रेशन जो चले गए वो 30 चले गए। लो जी, 20 आए 30 चले गए, ठीक है, तो हमारे पास लगा लो ना यहाँ पे 10 कम रह गए, फिर ये 10 यहाँ से निकल गए, मतलब 10 ऐड हुए थे ना, 10 में फिर 20 और ऐड कर लो, 20 ऐड कर लो, 30 हो गए, फिर 30 में से 30 निकल गए, इमिग्रेशन बाहर निकल गई, 0 आंसर आ गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट प्लीज, मुझसे डाउट कैसे क्लियर कर सकते हो? अरे मुझसे डाउट आप लोग या तो मेरी वीडियोस के नीचे क्वेश्चन डाल के कर सकते हो, या आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको मैं डाउट क्लासेस देती हूँ बहुत सारी, मतलब हम स्पेशली डाउट के लिए क्लासेस रखते हैं, तो आप वहां पे क्लियर कर सकते हो। आई टेल यू रघुराम समथिंग, आई टेल यू आफ्टर द टेस्ट, वेट। किसको नोबेल प्राइज मिला था भाई लोग? 24th, बोलिए। ऑलमोस्ट सभी का आंसर है भाई, केल्विन। केल्विन बंदा कौन था जिसने C3 साइकिल डिस्कवर किया था ना, लड़के को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और तुम ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर करोगे तो तुमको भी मिलेगा, C3 साइकिल वाले को मिला था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट, सिडेंट्री सी एनिमनी गेट्स अटैच टू शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, दिस एसोसिएशन इज, ये तो ईजी है, एक मिनट में आएगा, एक सेकेंड में आएगा आंसर, बोलो। 24th, हाँ जी हाँ जी, 24th नहीं 25th, आई एम सॉरी 25th, नहीं आज कोई लेक्चर नहीं है इसके अलावा, आज टेस्ट ही है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। सिम्बायसिस है बेटा, सिम्बायसिस, दोनों को फायदा हो रहा है। देखो ये हर्मिट क्रैब है, ये हर्मिट क्रैब है, पता नहीं क्या बन गया बट हर्मिट क्रैब है, ये इसके ऊपर सी एनिमनी है, ठीक है। हर्मिट क्रैब को ये फायदा होता है कि सी एनिमनी के पास पॉइजनस टेंटेकल्स हैं, याद करो ये नाइडेरिया का मेंबर है, नाइडोब्लास्ट है इसके पास, नाग वाले सेल्स, ठीक है, तो ये पॉइजनस टेंटेकल की वजह से कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं करता, ठीक है। और सी एनिमनी को क्या फायदा हो रहा है, जहां पे भी हर्मिट क्रैब जाएगा सी एनिमनी भी वहीं जाएगा, तो इसको नई नई जगह जाने का मौका मिल रहा है, ये नहीं कि इसको ट्रैवल बग है, कीड़ा है इसको घूमने का, नहीं, इसको नए फूड पास्चर्स मिल रहे हैं ना, खाना मिल रहा है नया, ठीक है, तो दोनों का फायदा होता है। सिम्बायसिस आंसर है बेटा, कमेंसलिज्म आंसर नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, 26, द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट बैक्टीरिया यूज H2S गैस एंड CO2 टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट इज, मतलब कुछ कुछ बैक्टीरिया में, हाँ जी बोलिए, हाँ जी सही है, सारंग सही है, हुसैन अली सही है, ईशानी राइट, शुभम राइट, वर्क इज वर्शिप राइट, आफ्ताब मेमन राइट, अपोलो निंजा राइट, नीलूफा, अरुणा, आफ्ताब, सबका ही सही है यार, ये तो सबने ही सही कर दिया, वाह 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 क्या बात है। निहारिका राइट, किसने कहा था भैया, वॉन नील ने कहा था, मैंने कहा था इसको याद करना है, नील से याद करना है, नीला, नीला क्या है, पानी, आपने ये किया था, वॉन नील ने क्या बताया था कि वॉटर इज रिक्वायर्ड एज अ हाइड्रोजन डोनर इन नॉर्मल प्लांट्स, और यही हाइड्रोजन डोनर बैक्टीरिया में H2S हो जाता है, यही बात हुई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन सेलुलर एनर्जी इन टू कॉमन सेंस, हाँ जी आफ्ताब बताइए। अहमद अली सैयद, तुम्हारा नाम बाद में आता है बेटा, तो बाद में शायद तुम्हारा नेट स्लो होगा, तुम थोड़ा लेट आंसर कर पाती होगी, तो मेरे को बाद वाले नाम में सारे नहीं पढ़ पाती ना बेटा, अभी 200 बच्चा लाइव है यहाँ पे, 210 के आसपास बच्चे हैं, तो मैं नाम नहीं ले पाती सबका, तो ऊपर वालों का ही नाम ले पाती हूँ सिर्फ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे नाम मिल नहीं रहा है ऊपर ऊपर, ओके। नाउ ऑफकोर्स मैकेनिकल एनर्जी, आप सेल्स की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी तो है, किसी ने ये तो नहीं किया लाइट एनर्जी, किसी की बाजुओं में से लाइट निकलती हो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हो, किसी के हीट निकलती हो ऐसे जल जाते हो, ऐसा तो किसी ने नहीं किया ना।
मैकेनिकल एनर्जी आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, कौन सा टिश्यू सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है बताएंगे, कौन सा टिश्यू सबसे इजी क्वेश्चन, कौन सा टिश्यू सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. व्हाट इज अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म होता है जब एक को नुकसान हो और दूसरे को कोई फर्क ना पड़े, जैसे एंटीबायोटिक्स में होता है, दूसरे बंदे को नुकसान हो चाहिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना फायदा ना नुकसान. यस, 28th का कनेक्टिव टिश्यू, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए. इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द होल बॉडी, एनसीईआरटी की लाइन है. चलिए नेक्स्ट प्लीज, खत्म होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन रह गए हैं. चलो, वेलोसिटी ऑफ इंपल्स इज ग्रेटर इन, बताओ तो जरा. किस में तेज इंपल्स किस में जाएगी, किस में भागेगी तेज, 29th. अभी तक मुझे एक भी सही आंसर नहीं मिला, बुशरा पटेल का मिल गया है, एहतशाम का मिल गया है सही आंसर, और सिर्फ अभी उसी का मिला, और किसी का मिला नहीं है मुझे. विक्रमांक का मिल गया है सही आंसर, अम्मान का गलत है आंसर, पूजा गलत, यासिन गलत, अरुणा गलत, अखिल गलत, अरे इतने गलत आंसर. अभिषेक का सही है, सनी टेंशन का सही है, क्या बात है, सनी टेंशन में नाम टेंशन है तुम्हारा है, अरे रे 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 रे, अब सही आने शुरू हुए हैं. प्रशांत सही, शीना राइट, ओके. देखो नहीं सुबर्णा, सच का सामना रोज नहीं होता पर हर 2-3 दिन में हो जाता है. वेलोसिटी ऑफ इंपल्स, देखो बेटा, ट्रैफिक को जितनी चौड़ी सड़क मिलेगी निकलने के लिए ट्रैफिक उतना तेज निकलेगा, ऐसे याद करो. थिक नर्व्स में ज़्यादा तेज इंपल्स होती हैं, थिन नर्व्स में स्लो इंपल्स होती हैं, और विड्थ का फर्क पड़ता है. एग्जॉन भी जितना वाइड होता है उतना तेजी से इंपल्स भगाता है. सो ऐसे याद कर लो, बस थिक रोड पे जल्दी ट्रैफिक भागता है, ठीक है. सॉल्टेशन तो अलग चीज़ हो गया, सनी टेंशन वो तो कतई अलग बात हो गई. हेड ऑफ कॉकरोच अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन इज नोन एज, कॉकरोच पड़ा है तो दे दोगे इसका आंसर, ना तो ना दे पाओगे. नहीं नहीं प्रियंका कुमारी भैया, एनसीईआरटी के अनुसार चलो, रूबन और केमन जैसे एग्जाम्पल मत दो, जो दो मुझे बिल्कुल भी, जो एनसीईआरटी में दिया हो वो एग्जाम्पल दो. उसने ही कहा था बेटा सबसे पहले, वॉन नील ने कहा था, उन्होंने प्रूव किया होगा बाद में, बट कहा वॉन नील ने था सबसे पहले, ठीक है. हाँ ज़्यादातर बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का गलत आ रहा है. देखो कॉकरोच का हेड ऐसे होता है, बॉडी के एंगल में, ये बॉडी और सिर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका माउथ होता है. ये देखो ये कॉकरोच के लिप्स हैं, ब्यूटीफुल लिप्स, तुम्हें पप्पी देने का वेट कर रहे हैं, ठीक है. सो ऐसे हेड को, विच इज लाइक दिस 90 डिग्री टू द एंगल ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड हाइपोगनैथस. हाइपो मतलब नीचे, गनैथस मतलब माउथ, माउथ नीचे होना बॉडी से, हाइपोगनैथिस हेड बोलते हैं इसको, ओके. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन दिया है मैंने, मेरे को शौक नहीं है कि तुम जानो कि कॉकरोच के लिप्स कहाँ पे होते हैं, ऐसे कहाँ पे करता है वो, इट्स एन एनसीईआरटी, यू हैव टू रिमेंबर इट. नहीं ईशानी ऐसे नहीं है, ये थ्योरी नहीं लगाओगे कि जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ वेलोसिटी कम हो जाते हैं, वो न्यूरॉन वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तुम, जितना डायमीटर होगा उतनी तेजी से इंपल्स जाएगा, जितना कम डायमीटर होगा उतना धीरे इंपल्स जाएगा, ये याद रख लो. चलो भाई लोग ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, आंसर दो. 31 हो गलत, गलत हो गलत, हो गलत. सिर्फ एहतशाम का सही है अभी तक आंसर, किसी ने सही आंसर नहीं दिया, सब ट्रिक में फंस गए हैं. सिर्फ एहतशाम का आंसर सही है, सिमरन का सही है, हरेश का सही है, मास का सही है, धीरज महाजन का सही है, आर्डेट MNF का सही है, बाकी सबका गलत आ रहा है. मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो देख लो क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम, क्या पूछ रहा है तुम लोग, क्या आंसर दे रहे हो, ये याद करो क्या होता है, CO2 प्लस वॉटर will give you C6H12O6, कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, प्लस O2,
ये ऑक्सीजन जो वाटर का ओ है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जो ये सी है वो यहाँ पे आ जाता है, जो ये ओ है वो यहाँ पे आ जाता है, जो ये एच है वो यहाँ पे आ जाता है। कितनी बार बात की अपन ने दैट ग्लूकोज में जितना ऑक्सीजन है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। आप पढ़ चुके हैं यूट्यूब पे, अगर तुमने यूट्यूब के लेक्चर नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ लेक्चर लगाना शुरू कर दो यूट्यूब के, ठीक है, यूट्यूब पे लगा लो, ना तो प्लस ज्वाइन कर लो, जैसे भी तुम्हें सही लगता है, बट एटलीस्ट स्टडी सम लेक्चर्स फ्रॉम मी सो दैट ये कन्फ्यूजन ना रहे आपको। 32 मैम रिप्लाई नहीं दे रहे, अरे बेटा आपका कमेंट निकल जाता है। एक बच्चा कह रहा है मैम आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, बेटा अभी 260 बच्चा लाइव है, कैसे रिप्लाई दूं मैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आता है, समझ रहे हो। हाँ जी हाँ जी सिलू सतीश, मैं बॉटनी भी पढ़ाती हूँ और मैं जूलॉजी भी पढ़ाती हूँ प्लस पे और यहाँ पे यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ। 32 कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेड्यूला इज अफेक्टेड बाय, देखो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है ना मेड्यूला में, यहाँ पे RRC होता है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, फिर यहाँ पे कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, तो ये किस चीज़ से अफेक्ट होता है। ऑलमोस्ट सभी का सही है, ऑलमोस्ट सभी का सही है। कीमो सेंसिटिव एरिया इज अफेक्टेड बाय एक्सेस CO2 एंड एक्सेस एच पॉजिटिव आयंस। जितना pH कम होगा मतलब जितने एच पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे और जितना CO2 बढ़ेगा उतना ही एक्टिवेट होगा। इसका मतलब क्या है, देखो कीमो सेंसिटिव एरियाज बेसिकली आपकी बॉडी में ये बताने का काम करते हैं कि भैया आप सांस प्रॉपरली नहीं ले रहे हो, यू नीड टू ब्रीद मोर सो दैट CO2 कैन बी एक्सपेल्ड आउट एंड मोर O2 कैन कम। तो ये आपकी बॉडी को कैसे पता चलेगा, कीमो सेंसिटिव एरिया को पता चल जाता है जब ज़्यादा CO2 होता है और ज़्यादा एच पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखो CO2 से ही एच पॉजिटिव बनता है, याद है ना तुम लोगों को, पानी में घुल के एच पॉजिटिव बनता है, तो जब CO2 बढ़ता है तब एच पॉजिटिव बढ़ता है। दोनों की ही इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इस पे इफेक्ट डालती है जो कि RRC पे इफेक्ट डालता है और RRC ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्लीज, एनरोबिक रेस्पिरेशन इज लाइकली टू अकर, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बोलिए। 33 गलत है सारंग तुम्हारा, अभिलाषा गलत है, एहतशाम का सही है। बेटा एहतशाम तुमने बहुत बढ़िया तैयारी करी हुई है, एक भी गलत नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा। विनय का सही है, मंजुश्री का सही है, आदित्य कुमार का सही है, आदित्य कुमार तुम बहुत लेट आए हो, नीलूफा का सही है, सुरेंद्र का सही है, समोन्नता का सही है। देखो एनेरोबिक रेस्पिरेशन अगर आपको ढूंढनी है आपको सीधी सी बात सोचनी पड़ेगी, चींटियां आपको यहाँ को घूमती हुई दिखती हैं, क्या इनके लिए एनेरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल है? एनेरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है ना जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्योंकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन अच्छी बात है नहीं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तोड़ने से एनेरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम ATP निकलता है जितना एरोबिक रेस्पिरेशन में निकल सकता है, तो लोग मजबूरी में एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रही होती, उनको कोई शौक नहीं है एनरोबिक रेस्पिरेशन करने का। सो एंट क्यों करेगी एनरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्यों करेंगे, इनको सबको ऑक्सीजन प्रोवाइडेड है। टेप वॉर्म और एनी अदर एंडो पैरासाइट कोई भी किसी की बॉडी में रह रहा है तो आपको वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब तुम्हें कहोगे कि मैम जब हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं तो टेप वॉर्म उस ऑक्सीजन को क्यों नहीं यूज़ कर लेता, क्योंकि बेटा जो तुम सांस लेते हो ना वो लंग्स में जाता है और टेप वॉर्म कहाँ है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये रहा टैप फॉर्म बेचारा, ये कैसे सांस ले ले यहाँ से। सो ये एनरोबिक होगा, जितने एंडो पैरासाइट्स हैं सब एनरोबिक हैं, याद रखेंगे ये वाली बात। नेक्स्ट प्लीज। यस शुभम पांडे बिल्कुल सही, आदित्य कुमार बहुत लेट हो गया भाई, तू पूरा क्विज जा चुका है। 34 प्लीज, ये देखते हैं ज्योति गंगवाल, मैं बता दूंगी कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। वेरी गुड, हिदायत का सही है, मंजूश्री का सही है, पुलकित थैंक यू, अल्फाज निगम का सही है, हुसैन अली का सही है, आदित्य कुमार राइट, सारंग राइट, खुशी कौशिक राइट। हाँ जी कुछ बच्चों का ये गलत हो रहा है, देखो देखने की चीज़ है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूज हो रहा है। दोबारा से इक्वेशन लिख रही हूँ जिन बच्चों ने पहली बार ध्यान से नहीं देखी थी, दोबारा से लिख देती हूँ। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये C6H12O6 plus ऑक्सीजन। नाउ प्लीज सी,
CO2 बिचारी नाजुक और मासूम, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, देखो CO2 का C यहाँ पे आ गया, O यहाँ पे आ गया, एज इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसकी रिडक्शन होती है, तो यहाँ पे देखने के लिए साफ साफ मिल रहा है कि CO2 की रिडक्शन हो रही है। और आप कितनी बार पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस में CO2 की रिडक्शन, CO2 की रिडक्शन, CO2 की रिडक्शन, राइट? H2O से हाइड्रोजन छिन गया है, सिर्फ ऑक्सीजन रह गया है, तो मतलब वाटर की ऑक्सीडेशन हुई है। अगर कहीं से हाइड्रोजन छिन जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। सो दिस इज ऑक्सीडाइज, दिस इज रिड्यूस्ड, CO2 गेट्स reduced, water gets oxidized. I hope you understand now, right? Next question. चलो खत्म होने वाले हैं, पांच क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान से करेंगे। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज सूटेड फॉर, देखो मुझे शौक नहीं है तुम्हें वही कॉकरोच के होठों के बारे में बताने का, पर ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। आई डोंट वॉन्ट यू नो दैट यू गेट फैसिनेटेड बाई कॉकरोच लिप्स, बट वॉट टू डू, राइट? ऑलमोस्ट राइट, ऑलमोस्ट सभी का ही सही है, ये सभी का ही सही है। सुरेंद्र गलत हो गया बेटा, शायद तुमने पता नहीं पिछले क्वेश्चन का आंसर था, आई डोंट नो। यश गुप्ता गलत हो गया, बाकी ऑलमोस्ट सबका सही है। कटिंग एंड चूइंग टाइप, ठीक है, देखो इंसेक्ट्स के ना माउथ पार्ट्स के टाइप्स होते हैं जो कि हमको नहीं पढ़ने, जैसे कि कॉकरोच का क्या होता है पियर्सिंग, कॉकरोच नहीं, सॉरी मस्कीटो का होता है पियर्सिंग टाइप, पियर्स करता है ना वो। मक्खी का होता है, हाउस फ्लाई का होता है स्पॉन्जिंग टाइप, वो क्या करती है पहले अपना थूक फेंकती है खाने के ऊपर, फिर वो थूक वहाँ पे डिजोल्व कर लेता है, मतलब कि डाइजेस्ट कर लेता है खाने को, फिर वो चूस लेती है उसको डिजोल्व खाने को, तो होता है स्पॉन्जिंग टाइप। तो ये अलग अलग प्रकार का होता है, कॉकरोच का एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ओके, चलो नेक्स्ट प्लीज। हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी हैज बीन इन, एवोल्यूशन का क्वेश्चन है परंतु प्रिटी इजी क्वेश्चन, ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ लिया है तुम लोगों ने, बोलिए। क्या हो गया सुरेंद्र, गलत बोल दिया क्या मैंने? अरे 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 सुरेंद्र, अभी देखते हैं तुम्हारा क्वेश्चन, रो मत, अभी देख लेते हैं। हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी, पीकिंग मैन और जावा मैन ये दोनों एक ही है, होमो इरेक्टस का नाम है, तो दोनों का क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है? अराउंड 900 सीसी दिया हुआ है, 900 सीसी, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की दी नहीं हुई है, पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस बहुत पुराना बंदा है यार, उसकी 500 सीसी के आसपास होती है, 400-500 सीसी होता है। नियांडरथल मैन अच्छा खासा 1400 सीसी के आसपास रहता है, इसका आंसर नियांडरथल हो गया, ठीक है। इसमें जानने की बात यह है कि पीकिंग और जावा मैन एक ही बंदे का नाम है, होमो इरेक्टस का, ठीक है। चलो आखिरी के चार क्वेश्चन देखें, आओ देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ वन ऑफ दिस वाज एब्सेंट, किसके ना होने से जेनेटिक इंजीनियरिंग ना हो पाती, बताओ। ट्रांसपोर्टेशन वाला नहीं हुआ आशीष, अभी नहीं हुआ है, बोलिए। 37th, आदित्य कॉल गलत हो गया, बाकी ऑलमोस्ट सबका सही है, हिदायत का गलत हो गया, विक्की का गलत हो गया, अरे रे रे रे, सारंग का गलत हो गया। अब सारंग तुमने गलत आंसर दिया, देखो दोबारा से कोई बात नहीं, सुनो आंसर इसका लाइगेज है, डीएनए लाइगेज है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं होती अगर ये इंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। यार अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है, एक डीएनए काटते हैं, उसमें किसी और का डीएनए फिट कर देते हैं। अब ये डीएनए फिट करने के बाद जोड़ेगा कौन, गम कौन लगाएगा, यहाँ पे फेविकॉल कौन लगाएगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बिना कटे हुए डीएनए के टुकड़े जुड़ नहीं सकते। बहुत सारे बच्चों ने डीएनए पॉलीमरेज दिया, क्यों क्यों दिया है? तुम्हें नया डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए ना, तो नया डीएनए मत बनाओ अगर तुम्हारे पास डीएनए पॉलीमरेज नहीं है। पुराना डीएनए किसी का काट के किसी और के उसमें डाल दो। आपको सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए डीएनए काटने के लिए, और डीएनए लाइगेज चाहिए चिपकाने के लिए। दो एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में ऑप्शन नहीं है, डीएनए लाइगेज ऑप्शन है। समझ में आ गया? चलो वीएनटीआर का फुल फॉर्म बताएंगे प्लीज।
कोई बात नहीं सारंग, चलता रहता है। मौली खुशी, मेरा नाम ले लो मैम, कितनी खुशी होती है ना, मेरा नाम ले लो। वैसे मैं स्टूडेंट होती तो मुझे भी खुशी होती। इट्स ओके, इजी क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऑलमोस्ट सभी का सही है। VNTR इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वैसे ऑफ नहीं आता, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स होता है, लेकिन सबसे सही ऑप्शन यही है। वेरिएबल नॉन सिस्ट्रॉनिक, बकवास। वेरी नैरो टैंडम रिपीट, बकवास। वैल्यूएबल नॉन सिस्ट्रॉनिक, पता नहीं कहाँ से नॉन सिस्ट्रॉनिक आ रहा है। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, कहाँ कहाँ पढ़ते हो तुम VNTR? DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ते हो, जेनेटिक में, जेनेटिक वाले, जेनेटिक्स वाले सेकेंड चैप्टर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्रिटी इजी। NCERT की लाइन है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था बच्चों? कॉडनॉब। क्या हो गया यशिका? ये बच्चे ना मुझे ऐसे ऐसे स्माइलीज भेजते हैं, मुझे ऐसे ना अपने ऊपर गिल्टी फील होने लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया यार इनके साथ, ये बच्चे इतने परेशान क्यों हैं। 39th, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हिंद 2 था कि हिंद 3 था यार, तुमने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया गलत आंसर दे दे के, क्या बात कर रहे हो। हिंद 2 है कि 3 है? हिंद 2 होना चाहिए बच्चों यार, रुको मेरे को चेक करने दो, ऐसे मत किया करो तुम मेरे साथ। ए हिंद 2 है, हिंद 3 कौन लिख रहा था? NCERT की लाइन है। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव अराउंड, अच्छा तुम खुद पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ो पढ़ो। ओ हाँ जी सारंग, अब सही है तुम्हारा। अशका बानो सही है, द हॉस्टल लाइफ बिल्कुल सही है। सुरेंद्र राइट, सुनित्रा राइट, तनिष्क राइट, निगार राइट, रेहान राइट, प्राथी राइट, ऑलमोस्ट सभी का सही है, किसी किसी बच्चे ने गलत किया है बस। आओ देखते हैं, ये कह रहे हैं कि यार जो ना पहाड़ों पे लोग रहते हैं ना, उनका पर MM³ में ज़्यादा RBC रहता है, 8 मिलियन के आसपास RBC रहता है, 7-8 मिलियन हो जाता है उनका RBC। और जो प्लेन्स में लोग रहते हैं उनका 5 मिलियन RBC होता है, पर MM³ की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? फिर वो ऑप्शंस दे रहे हैं कि भैया पहाड़ के लोगों को पॉल्यूशन फ्री एयर मिलती है, बहुत ताज़ी ताज़ी हवा आती है, ताज़ी ताज़ी हवा आती है, पर उसका RBC से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, ये सही उत्तर है। एटमॉस्फेरिक O2 का लेवल बहुत कम होता है, इसलिए बोन मैरो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ताकि ज़्यादा RBC प्रोड्यूस कर सके। बिना अगर ज़्यादा RBC नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हमको अल्टीट्यूड सिकनेस रहेगा। ठीक है, अब नॉर्मल बंदे को उठा के पहाड़ पे डाल दो तो अल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर है। ये सब बकवास है, देर इज़ मोर UV रेडिएशन, पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव, भैया ऐसे नहीं हो पाता है। ठीक है, टेक माई नेम MD परवेज। अच्छा चलो, अब रघुराम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। तुम कह रहे थे तुम साउथ इंडियन हो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लेती हूँ। आई थिंक पहली बात तो मैं साउथ इंडिया में बहुत समय तक रही हूँ, एंड साउथ इंडिया से बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग। दूसरी बात, आई फाइंड साउथ इंडियन पीपल वेरी नाइस, आई फाइंड देम नाइसर देन नॉर्थ इंडियन पीपल। मुझे नॉर्थ इंडियन लोग हमेशा ही थोड़े से ना शोर गुल वाले और ड्रामेबाज और थोड़े से यू नो ज़्यादा शोशेबाजी करने वाले लगते हैं, एंड आई थिंक साउथ इंडियन पीपल आर वे मोर पोलाइट एंड वे मोर नाइसर देन नॉर्थ इंडियन पीपल। सो ऐसा नहीं सोचना है। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। एंड गैस्ट्रिन सिक्रेटिन, हाँ मुस्कान नेहरा, उसके लिए अलग से क्लास बनाऊंगी। जिन बच्चों को नहीं पता है, हर रोज़ मेरी क्लासेस लगती हैं शाम को 4 बजे और शाम को 6 बजे। नीट के लिए जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं जनरली मैं वो पिक करती हूँ ताकि बच्चों के लिए आसान हो जाए। तो अभी अभी फोटोसिंथेसिस खत्म हुआ है, एक क्लास रह गई है, और एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हुआ है। सो अभी मैं 2 नए चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए कौन से चैप्टर शुरू करूँगी। आज कोई क्लास नहीं है। अगर आप मेरे साथ
बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, बार बार रिवाइज करना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं, डाउट्स लेना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे रोज अराउंड मेरी 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास रहती रहती है बच्चों के साथ। सो जब भी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने जाएं, इसका तरीका इस वीडियो के स्टार्टिंग में है, हाउ टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। और अगर आप थोड़ा फीस कम करवाना चाहते हैं तो आप कोड डाल देना ऋतु लाइव, ऋतु लाइव कोड डालते ही आपको 10% ऑफ हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप जितना जल्दी ज्वाइन करें उतना अच्छा है, क्योंकि अब आपको पता है 4 महीने रह गए हैं, 4 मंथ्स में अभी, हालांकि क्रैश कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 4 चैप्टर्स के कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो वो 4 चैप्टर्स तुमको रिकॉर्डेड वीडियो लगा लेना और बाकी तुम लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो अभी जो चल रही हैं क्लासेस, ठीक है। और अपनी पढ़ाई में ढील करना बंद करो, चाहे तुम खुद पढ़ना चाहते हो, चाहे तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे तुम मुझसे पढ़ रहे हो, चाहे तुम प्लस पे पढ़ो मुझसे, फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें चूज़ करना है तुम कहाँ पढ़ रहे हो। सिर्फ तुम्हारी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल से एवरेज से टीचर के साथ भी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और बहुत अच्छे टीचर के साथ भी कई बार बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाते अगर वो मेहनत नहीं करते तो। सो अगर मेरे साथ भी पढ़ना चाहो, मैं तभी जादू कर सकती हूँ तुम्हारी बायोलॉजी पे जब तुम एफर्ट डालने के लिए तैयार रहो। अगर तुम प्लस ज्वाइन करते हो तो तैयार रहना मेहनत करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें लगे कि अच्छा अब तो ऋतु मैम से पढ़ रहे हैं, अब तो बेटा आएंगे 350 नंबर। वो तभी आएंगे जब मैं एक एक चीज़ जो बता रही हूँ, ऐसे करो, अब ये पढ़ो, अब ये पढ़ो, अब ये रिवाइज करो, ऐसे करके आना है। अगर प्लस प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर रहे हो तभी आप स्कोर कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।